वर्षा के चलते सरदारपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत पिपलिया भान क्षेत्र में करीब 25 करोड़ की लागत से बने चुनार बांध के पाल पर बने स्लूज गेट की मिट्टी धंसने से करीब 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। वहीं कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। यह खबर क्षेत्र के विधायक प्रताप ग्रेवाल को मिली तो वे मौके पर पहुंचे। विधायक ग्रेवाल ने इस मामले में भाजपा सरकार को घेरा है। विधायक ने कहा कि 50% के आरोप सत्य होते दिख रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ने कारम डैम के बाद चुनार बांध में भ्रष्टाचार किया है। इसकी जांच की जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीणों द्वारा बांध की पाल पर मिट्टी बहने की शिकायत अधिकारियों को पूर्व में भी की गई थी। इसके बावजूद कोई कार्य नहीं किया गया। इसके दुष्परिणाम से कच्ची मुरम का भंवर हो गया है। शासन प्रशासन लिपापोती में लगा है। सरदारपुर से जगदीश मारू की रिपोर्ट। कि जो 50% कमीशन वाली सरकार है, कारम डैम के बाद में ये दूसरा उदाहरण है कि कच्ची मुरम के कारण कई बार यहाँ के ग्रामीणों ने, जनता ने कलेक्टर को जाकर के शिकायत की कि पाइप लीकेज है, उसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं जागा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके दुष्परिणाम ये हुआ कि आज कच्ची मुरम का एक भंवर हो गया है। आज शासन प्रशासन लिपापोती में लग गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की 50% कमीशन वाली सरकार की ये चुनार डैम से पोल खुलती है। विगत कुछ दिनों पहले कांग्रेसी विधायक प्रताप ग्रेवाल के द्वारा सरदारपुर विधानसभा के जनजातीय क्षेत्र में बने चुनार बांध के ऊपर प्राकृतिक आपदा के चलते भंवर हो गया था। उस भंवर को लेकर कांग्रेसी विधायक ने सरकार को 50% कमीशन खोने वाली सरकार कहा। मैं प्रताप ग्रेवाल विधायक से पूछना चाहता हूं, क्या आप मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या आप जिस सरकार के ऊपर 50% कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या उस 50% कमीशन खोरी में आप शामिल हैं? आपने बिना सबूत, बिना निराधार के, बिना आधार के सरकार के ऊपर आरोप लगाया। मैं प्रताप ग्रेवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपके विधायक के कार्यकाल में आपने सरदारपुर विधानसभा को कौन से विकास कार्य की सौगात दी जिससे जन कल्याणकारी कार्य हुए? आपने हमेशा सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय लिया, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का भूमि पूजन किया, लोकार्पण करके उनका श्रेय लिया। विगत कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा खरमोर अभ्यारण को लेकर राहत दी गई, आपने उसका श्रेय भी अपने सर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि आप झूठ बोलना बंद कीजिए। कितना झूठ बोलेंगे? सरदारपुर विधानसभा आपके झूठ को जान चुकी है। आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में आपके झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। मैं सुनील गामर, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, भाजपा अजेजा मोर्चा, जिला मंत्री धार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।